दिल्ली में दिवाली से पहले लगे पटाखे बैन पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बुधवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ मनोज तिवारी की याचिका को खारिज किया बल्कि सांसद को कई नसीहतें भी दे डाली। कोर्ट ने मनोज तिवारी को यह भी कहा कि जहां पटाखे बैन नहीं है वहां जाकर फोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिवाली में बढ़ने वाले प्रदूषण का हवाला देकर एक बार फिर हर साल की तरह पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मनोज तिवारी के वकील ने जस्टिस एसएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ के सामने दलील दी कि केजरीवाल सरकार ने सभी तरह के पटाखों पर रोक लगा दी है, जबकि कोर्ट ने ग्रीन पटाखों फोड़ने की अनुमति दी थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने दो टुक कहा कि सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वहीं मनोज तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे। जहां सरकार ने पटाखे बैन किए हैं वहां मतलब है पूरी तरह बैन। लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यदि आप पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो उन राज्यों में जा सकते हैं जहां इस पर रोक नहीं है। इस पर मनोज तिवारी के वकील ने कहा कि वह सांसद हैं और उन्हें चुनने वाली जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कोर्ट ने ही ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी थी। बेंच ने इसके बाद फिर मनोज तिवारी को नसीहत दी और कहा, आप लोगों को समझना चाहिए कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। आपको भी चुनाव के बाद विजय जुलूस में पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। जीत पर जश्न मनाने के दूसरे भी तरीके हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।